मेरी कहानी का नाम है सफर में एक फौजी मिला। हालांकि हमारे देश में ट्रेन से सफर करने के कई लुक्स हैं, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, आप में से कितनों को ट्रेन से सफर करना पसंद है? मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो हमारे देश में ट्रेन से सफर करना बहुत जरूरी भी है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत से अनोखे और अद्भुत लोग मिल जाते हैं, कहानियां मिल जाती है आपको आगे सुनाने को। मैं एक बार ट्रेन से सफर कर रही थी अपने परिवार वालों के साथ। हमारी बॉगी में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लग रहा हो मानो देश की आधी जनता तो उसी ट्रेन में सवार है। मेरे सभी परिवार वालों ने बहुत सारे बैग्स पकड़े हुए थे और मेरे पिताजी ने तो सबसे ज्यादा भारी भरकम बैग्स पकड़े हुए और उन्होंने ना पूरी अंकल की हेल्थ लेने से भी साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो तो महाशक्तिशाली है, वो सारे बैग खुद उठाए। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी ना, उनके लिए बैग सिर तक ले जाना बहुत मुश्किल होता गया। लेकिन तभी एक कुली लेकिन तभी एक फौजी अंकल ने बाहर निकलकर हमारी मदद की। अगर उस दिन वो फौजी अंकल ना होते तो हमारी ट्रेन सच में छूट जाती और मुझे नहीं लगता कि हम अपनी सीट तक पहुंच भी पाते। लेकिन फौजी अंकल ने हमारी बहुत हेल्प की। फिर जैसे ही हम अपनी सीट तक पहुंचे, हमने और बाकी सभी यात्रियों को मिलकर फौजी अंकल के साथ फिर सारे बातें। फौजी अंकल काफी वक्त बाद अपने घर लौट रहे थे। उनको एक प्यारी सी बेटी हुई थी जिसकी तस्वीर उन्होंने हमें फोन में दिखाई। वो अपनी बेटी से, अपने माता पिता से, अपने सभी परिवार वालों से मिलने के लिए तरस गए थे। उनकी आंखों में अपने परिवार वालों से मिलने की चमकना साफ साफ झलक रही। वो बॉर्डर पर रहते थे और उनकी जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी रही, लेकिन फिर भी वो जी जान से देश की सेवा में लगे थे। उनकी जोखिमों भरी वारदातें सुन के मैं डर के मारे पूछ बैठी, अंकल आपको डर नहीं लगता? तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा जिस दिल में देश के लिए प्रेम की भावना होती है वहां डर कैसा। तभी एक और यात्री ने भी एक टिप्पणी दी, जो काम आप सभी फौजी करते हैं ना वो हम आम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इतना जिगरा ही नहीं है। तब फौजी अंकल ने उन्हें जवाब दिया, जरूरी नहीं कि सब फौजी बन जाए, लेकिन देश के फौजियों के प्रति और देश के प्रति दिल में श्रद्धा भाव होना चाहिए। और हम सिपाही पेशे से बने या न बने, हम अपने प्रोफेशन से सिपाही बने या न बने, हम दिल से सिपाही बनने चाहिए। जो शिक्षक है वो अपनी शिक्षा की ताकत से, डॉक्टर अपने मरीजों की हिफाजत से, वकील सच का साथ देकर, और हम सभी इंसान अपनी इंसानियत से देश की सेवा कर सकते हैं। हम भले ही बॉर्डर पर जाकर क्यों ना लड़ रहे हो, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहीं से देश के लिए लड़ रहे हैं।